चावल के पापड़ की रेसिपी जानने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, समीनाज किचन टिप्स में आज हम बनाने वाले हैं चावल के पापड़, वो भी बहुत ही इजी तरीके के साथ बनाएंगे। एक कप हमारे पास ये चावल है जिसको हमने 2 घंटे के लिए गर्म पानी के अंदर भिगो के छोड़ दिया था। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भिगो के चावल छोड़ सकते हैं। 1 कप चावल है, वहीं हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देते हैं और ढकना लगा के एकदम महीन हम इसका पहले पेस्ट बना के लाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। हमने इसको पीस लिया है, इसको आपको बहुत देर तक पीसना है। बहुत देर तक नहीं पीसेंगे तो आपके पापड़ सही नहीं बनेंगे। जब चावल पीसता है एकदम ऐसा रहता है फटाफटा सा, इस तरीके से एकदम स्मूथ नहीं होता है। और बहुत देर तक पीसना है, जब तक के मैं इसकी पहचान बताती हूँ कि आप एक चम्मच ले लें और वो उसमें डाल के देखें, जब तक ऐसा नहीं हो जाए जब तक पीसते रहना है। देखें कितना बढ़िया दिख रहा है ये, आप चम्मच ले लें उसको डाल के यूं देखें, ये इस पर जब इस तरह से ठहर जाए, जब तक पीसना है, जब तक ये बह के नीचे आ जाए, तो जब तक आपको पीसते रहना है। इसको पीसने की बस ये एक ही ऐसी ट्रिक है जो आपको रखनी है याद। ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसको भी हिला के इसी में डाल देते हैं। थोड़ा ही पानी डालें, फिर हम इसको मिक्स करते हैं। पीसने के बाद ग्राइंडर में भी पानी डाल के आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम ये आपको दिखाना था इसलिए। ये देखें बिल्कुल इस तरीके का ये होना चाहिए। 1 कप चावल है, 1/4 कप हमने इसके अंदर पानी डाला है। इस तरीके से भी आप देखें, हाँ ये इस तरीके से इस पर ठहर गया, तो गोया ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जीरा, और इसमें डाल देते हैं ये चिली फ्लेक्स जो बिल्कुल हाथों हाथ हमने बनाए हैं, 1/4 टीस्पून ही डालेंगे ये भी हम। इसको मिक्स कर देते हैं। इतने क्या करते हैं, हमने ये लंच बॉक्स के ढकने ले लिए हैं, बस हल्का सा यूं ब्रश लिया है, इसी ब्रश को पूरे में फेर देंगे, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाएं आप। एक वॉक लिया है जिसमें हमने पानी उबलने रख दिया है, उसके ऊपर कोई भी छन्नी ले सकते हैं, हमने दूध पर ढकने वाली छन्नी ली है वो वॉक में रख दी है, उसमें उबाल आने लगा है, तो बस ये हम एक ही बार ब्रश लेंगे और बस सबके ऊपर फेर देते हैं। मिक्स किया है और इसमें ये सिर्फ एक ही चम्मच लेंगे और इसको हम ये साइड में रख देंगे, खुद फैल जाएगा ये पूरे में, इसको बहुत अच्छे से फैलाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा हम नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं और ये पूरे में खुद फैल जाएगा। वॉक लिया है, उसके ऊपर ये दूध पर ढकने वाली हमने छन्नी ले ली है, इसको हल्का सा यूं एक जैसा कर दे और इसको हम यहाँ रख देते हैं। रखने के बाद इसकी लिड से इसको कवर कर देते हैं और सिर्फ 1 ही मिनट के बाद हम ये हटा लेंगे और फिर दूसरा रख देंगे। अभी हमने एक रख के किया है, इसमें 2 भी आ जाएंगे तो 2 भी डाल दें आप। नीचे वाला हल्का सा ही सेट हुआ है, बस फौरन ही हम ये दूसरा रख देते हैं, 2 एक साथ करते हैं। इसको 50 ही सेकंड हुए हैं और ये देखें ये बिल्कुल तैयार है, बस ये हम हटा देते हैं, आप चिमटे से पकड़ के हटा सकते हैं और ये देखें ये गर्मा गर्म ही अलग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इतनी देर के लिए वो वाले रखते हैं साइड और इसको यहाँ रख देते हैं और इसको भी करते हैं सिर्फ 40 से 45 सेकंड के लिए। ये देखें ये निकाल लेती हूँ और ये वाला रख देती हूँ और जो अभी निकाला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी ये गर्म ही है और इसने ये किनारे छोड़ दिए हैं, बस इसको आप गर्मा गर्म को भी हटा सकते हैं, बहुत ही इजी। लेकिन ये जब होगा, जब आपका बैटर पिसा हुआ होगा बहुत ही स्मूथ, तो बस ये फटाफट से आप बनाते रहिए। ये है हमारा एकदम से लास्ट वाला पापड़, तो इनको हम यहाँ रखते हैं और पंखा चलाते हैं और इनको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें हमारे चावल के पापड़ एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। ये देखें, आप इससे भी पतले बनाने चाहते हैं तो घोल में पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल लीजिए, एकदम से सूख के तैयार हैं। आप इनको 1 दिन की धूप लगाएंगे तो ज्यादा दिन स्टोर कर सकते हैं, वैसा आप इसको सिर्फ फैन में भी सुखा सकते हैं, उसमें लगेंगे ऐसे बिल्कुल क्रिस्प सूखने में 4 दिन। तो चावल का पापड़ मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ, इसके लिए बहुत तेज गर्म और बहुत सारा ऑयल चाहिए। चावल के पापड़ हम फ्राई कर लेते हैं, ये हमने ऑयल ले लिया है, बहुत गर्म ऑयल होना चाहिए आपका, और बस ले जाके आप सिर्फ यूं कर दें इसको। और ये देखें ये अपने साइज से डबल हो जाएगा, इसको इधर से भी पलट के सेकेंगे हम, इसके लिए गर्म होना चाहिए ऑयल। ये निकाल लेते हैं और फौरन से डालते हैं एक और पापड़, एक और फ्राई करते हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये देखें चावल का पापड़ कितना क्रिस्प तैयार हुआ है, बहुत ही, आप इसकी आवाज सुनें।